हेलो गाइस, 3D प्रिंटिंग के लिए स्लाइसिंग एक क्रूशियल स्टेप है। बिना स्लाइसिंग के जी कोड नहीं जनरेट हो सकते। यस, आप मैनुअली भी जी कोड टाइप कर सकते हो, बट वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल मेथड है। इसीलिए स्लाइसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडस्ट्री में काफ़ी सारे स्लाइसर्स हैं, जैसे प्रूशा, सिंप्लीफाई 3D, आइडिया मेकर एंड क्यूरा। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्यूरा के हर फीचर को देखने वाले हैं, क्योंकि क्यूरा एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही पावरफुल है। वाइल मेकिंग दिस वीडियो सीरीज़, हो सकता है कि कुछ न्यू अपडेट्स आ जाए एंड फीचर्स ऐड हो जाए, बट इस वीडियो में हम मोस्ट फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप ऑलमोस्ट हर टाइप ऑफ फाइल को स्लाइस कर पाओगे। ये वीडियो मल्टीपल पार्ट्स में अपलोड किया जाएगा, सो आप कंप्लीट वीडियो सीरीज़ भी देख सकोगे और एल्स सिलेक्टेड पार्ट भी देख पाओगे। क्यूरा एक स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर है जो 3D मॉडल्स को जी कोड्स में कन्वर्ट करता है। ये 2014 में डेविड ब्राम ने बनाया था एंड फिर बाद में अल्टीमेकर ने उसे एक्वायर कर लिया था। क्यूरा सबसे वाइडली यूज़ होने वाला स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके मोर देन 1 मिलियन यूज़र्स है। क्यूरा ये सॉफ्टवेयर विंडोज़, मैक एंड इवन लिनक्स पर अवेलेबल है। क्यूरा के ईज़ ऑफ यूज़ की वजह से ये वेल नोन है एंड इट्स कैपेबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल फाइल टाइप्स, जैसे STL, OBG, X3D एंड 3MF, उससे ये बहुत फेमस है। क्यूरा अल्टीमेकर प्रिंटर्स के इकोसिस्टम का पार्ट है, बट इसमें बाकी प्रिंटर्स मैन्युफैक्चरर्स की भी प्रिंटिंग प्रोफाइल्स है। सो अभी हम क्यूरा का यूज़र इंटरफेस देखेंगे, जिससे आपके इसके लेआउट का लेआउट से फैमिलियरिटी हो जाएंगी। सो जैसे ये आप क्यूरा सॉफ्टवेयर ओपन करोगे, आपके सामने कुछ स्क्रीन्स विथ इंफॉर्मेशन आएगी एंड ऑल्सो सम टर्म्स एंड कंडीशंस। मूविंग ऑन, ये आपको एक अकाउंट बनाने या एग्जिस्टिंग अकाउंट में लॉग इन करने के लिए पूछेगा, बट आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद क्यूरा आपको प्रिंटर ऐड करने के लिए पूछेगा। सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एटलीस्ट एक प्रिंटर तो आपको यहाँ ऐड करना ही पड़ेगा, एंड इवन मल्टीपल प्रिंटर्स भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ नेटवर्क प्रिंटर एंड नॉन नेटवर्क प्रिंटर्स के ऑप्शंस आएंगे। अगर आपका प्रिंटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, जो आपके PC में दिखा रहा है, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। इफ़ नॉट, चूज़ नॉन नेटवर्क प्रिंटर। फिर आपको मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स के नाम दिखेंगे एंड उसमें उनके प्रिंटर्स। ये बेसिकली प्री सेव्ड प्रिंटर प्रोफाइल्स है। अगर आपका कस्टम प्रिंटर है या फिर आपको आपके प्रिंटिंग प्रोफाइल्स सेव करने हैं, तो कस्टम प्रिंटर सिलेक्ट कीजिए, और एल्स आप इन प्री सेव्ड प्रिंटर्स के प्रोफाइल को भी आगे मॉडिफाई कर सकते हो। प्रिंटर सिलेक्शन के बाद कुछ स्क्रीन्स आएंगे जो आपको क्यूरा के करंट वर्जन्स के न्यू फीचर्स के बारे में बताएंगे। Skip them and your slicer is set and ready for use. So once your Cura is set, तो चलिए देखते हैं Cura का user interface. So सामने है आपका user interface. Top left corner में आपका toolbar है, जहाँ पे file, edit, view, settings, extensions, preference और help, ये options है। जब आप फाइल पे क्लिक करोगे तो वहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स विद स्टार्ट्स न्यू प्रोजेक्ट, ओपन फाइल जिसमें आप कोई भी 3D मॉडल के फाइल को ओपन कर सकते हो, ओपन रीसेंट में आपको इसके प्रीवियसली ओपन्ड फाइल्स दिखेंगे। इसमें आप प्रोजेक्ट के एग्जिस्टिंग प्रोफाइल में भी उसे सेव कर सकते हो विद दिस सेव प्रोजेक्ट बटन। यहाँ से आप फाइल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो इन वेरियस फाइल फॉर्मेट्स। इसके बाद आता है एडिट, जिसके नीचे आपको मिलेगा सिलेक्ट ऑल मॉडल, जिससे हर मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हो, विच कैन बी ऑल्सो डन बाय कंट्रोल ए। उसके शॉर्टकट्स भी आपको सामने दिखेंगे। उसके बाद आएगा अरेंज ऑल मॉडल्स, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+R। उसके नीचे मल्टीप्लाई सिलेक्टेड, डिलीट सिलेक्टेड, क्लियर बिल्ड प्लेट, जिससे हर ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज रीसेट ऑल मॉडल पोजीशंस, जिसके जो पोजीशन में आपने इंपोर्ट किया था उस पोजीशन में आ जाएंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आता है व्यू, जिसमें आप उस ऑब्जेक्ट को कैसे व्यू करने वाले हो वो दिखेंगे। बेसिकली ये आपका कैमरा पोजीशन है। इसके अंदर जो कैमरा पोजीशन में आप 3D व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, हर एक इंडिविजुअल व्यू सिलेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे आता है कैमरा व्यू, जो है पर्सपेक्टिव या ऑर्थोग्राफिक, इन दोनों के बीच में आप टॉगल कर सकते हो। नेक्स्ट बटन है सेटिंग्स। सो पहला ऑप्शन है वो है प्रिंटर। इसके अंदर आपने इस क्यूरा में जितने भी प्रिंटर्स सेव करके रखे हैं वो सब दिखेंगे, एंड यू कैन इंडिविजुअली सिलेक्ट दोज।
फिर आता है एक्सट्रूडर जिसमें आप नोजल साइज और मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन जिसमें क्यूरा का बैकअप्स होता है, जिससे अगर आपका अल्टीमेकर के साइट पे आपका लॉगिन आईडी है तो आप क्यूरा की प्रोफाइल्स को वहाँ पे बैकअप करके रख सकते हो। नेक्स्ट आता है पोस्ट प्रोसेसिंग, इसमें आप जी कोड्स को मॉडिफाई कर सकते हो, हम इसके बारे में बाद में किसी वीडियो में डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट इज अपडेट चेकर, जहाँ पे आप क्यूरा के न्यू वर्जन्स के अपडेट्स आए हैं नहीं वो चेक कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में कॉन्फ़िगर क्यूरा में जब आप प्रेस करोगे तो इसमें भी आपको वही सब सेटिंग्स मिलेंगी जो आपने पहले देखे, बस उसके अलावा यू कैन जस्ट एक्सप्लोर एंड चेक आउट डिफरेंट सेटिंग्स। मूविंग ऑन टू हेल्प, जिसमें क्यूरा के करंट वर्जन के बारे में आपको डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगे। सो ये हो गया आपका क्यूरा का टूल बार। उसके बाद आता है उसके बॉटम वाला जो बार है, वहाँ पे तीन ऑप्शन आप देखेंगे, फर्स्ट इज़ प्रिपेयर, सेकंड इज़ प्रीव्यू एंड थर्ड इज़ मॉनिटर। सो यहाँ पे ये जो प्रिपेयर ऑप्शन है, यहाँ पे बेसिकली आप अपने मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हो और उसे अलग प्रिंटिंग पैरामीटर्स असाइन कर सकते हो। इसी स्क्रीन पर आप उसको मूव कर सकते हो या ओरिएंटेशन उसको उसका सेट कर सकते हो, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आता है प्रीव्यू, सो वंस यू स्लाइस द फाइल, व्हेन यू क्लिक ऑन द प्रीव्यू, तो यहाँ पे आपके जी कोड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखता है, जिसमें आपका टूल किस डायरेक्शन में और कैसे मूव करने वाला है वो आप देख सकते हो। सो फिर आता है मॉनिटर, यहाँ से आपका प्रिंट्स को मॉनिटर कर सकते हो, जैसे उसका टूल पोजीशन, उसका बेड टेम्परेचर, नोजल टेम्परेचर एंड सो ऑन। ओके, फिर आता है मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस में बेसिकली आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे, प्लगइन्स कुछ एडिशनल फीचर्स होता है विच कैन इम्प्रूव योर स्लाइसर टू डू सम थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल इन इट्स स्टॉक वर्जन। इसमें से कुछ प्लगइन्स फ्री होता है और कुछ पेड होता है। क्यूरा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसमें काफ़ी सारे प्लगइन्स आपको फ्री मिल जाते हैं। सो इसमें से वन प्लगइन जो हमें हम रेकमेंड करेंगे व्हेन वंस यू इंस्टॉल द क्यूरा, ये आप ज़रूर इंस्टॉल करें, जो है मैश टूल्स। आप अगर प्लगइन्स में जाओगे और नीचे तक स्क्रॉल करोगे तो आपको मैश टूल्स दिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है और इसका यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो ये था एक वीडियो रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन टू क्यूरा and its user interface. If you have any doubts regarding the topics we just discussed, please comment section में डालें, हम उसका answer ज़रूर देंगे। इसके next video में हम print को import करना और models को orientation करना सीखेंगे। So I hope ये आपको video पसंद आया हो and informative लगा हो। Please video को like and share ज़रूर कर देना, और अगर आपने अब तक channel को subscribe नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसके बाद जो वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रिंटिंग।